तरफ कोरोना का बढ़ता प्रकोप तो वहीं दूसरी ओर मेडिकल चौक स्थित कैपिटल हाइट्स में रहने वाली 300 फ्लैट धारकों को कैपिटल हाइट्स के मैनेजमेंट सिक्योरिटी की ओर से हो रही हिटलरशाही को लेकर फ्लैट धारकों में तीव्र नाराजगी है। आखिरकार किसकी वजह से कैपिटल हाइट्स के फ्लैट धारकों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे इनकी ग्राउंड रिपोर्ट मेडिकल चौक के कैपिटल हाइट्स से। आइए देखते हैं। नागपुर शहर की आबादी तकरीबन 37 लाख की है। नागपुर शहर का विस्तार और विकास बड़े तेज गति से हो रहा है। शहर में जहां भी नजर जाती है बड़े बड़े कैपिटल हाइट जैसी ऊंची इमारतें दिखाई देती है। शहर में एक तरफ कोरोना का आतंक बहुत बड़ा है, वहीं झुग्गी झोपड़ी से देखकर कई ऊंची इमारतों में रहने वालों तक कोरोना का संक्रमण पहुँच चुका है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल चौक स्थित कैपिटल हाइट्स में रहने वाले उन फ्लैट धारकों की, जिन्हें घर के बाहर आना जाना हो या उनसे मिलने आए कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें कैपिटल हाइट्स पे आने जाने के लिए प्रवेश मना कर दिया है। मेडिकल चौक स्थित इस कैपिटल हाइट्स में तकरीबन 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 बहुमंजिला इमारतें हैं। इस कैपिटल हाइट्स में तकरीबन 350 फ्लैट है, जिनमें से 50 फ्लैट खाली पड़े हैं। इस फ्लैट में कुल मिलाकर 1200 लोग रहते हैं। इस कैपिटल हाइट में तकरीबन 27 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं। राज्य और शहरों में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राज्य में 7 रोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 के तहत तारीख 13 मार्च 2020 से एक नियम लागू किया गया, जिसके चलते खंड 2, 3 व 4 के तहत अधिसूचना निर्गमित की गयी है। नागपुर शहर की बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या और प्रतिबंधित क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित होते ही तत्काल कार्यवाही की जाए, इसलिए इस दिशा में मनपा आयुक्त ने संबंधित जोन के सहायक आयुक्त इस पर अमल करे, ऐसा भी आदेश है। इस कैपिटल हाइट्स में रहने वाले महिला फ्लैट धारकों ने अपनी आपत्ति बताते हुए कहा कि वो एक प्रेग्नेंट महिला है, उसके घर में कोई नहीं है, उसे खाना चाहिए लेकिन खाना बनाने वाली बाई को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि रोजाना फ्लैट में सुबह पेपर वाला, दूध वाला, गाड़ी के ड्राइवर इनके बिना जांच किए उन्हें अंदर जाने दिया गया। लेकिन मजे की बात तो यह है कि वहां तैनात कैपिटल हाइट्स की गार्ड उन्हें अंदर भेज रहे हैं। क्या बिना जांच किए दूध वाला, पेपर वाला कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक इसी तरह दूसरी महिला की बाईपास सर्जरी हुई है जबकि वो निगेटिव है, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड अपने अड़ियल रवैये के चलते उस महिला की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। इस कैपिटल हाइट्स में गेम जोन चालू है, फ्लैट धारकों को अपना वाहन सड़क पर बिना पार्किंग की जगह खड़े करना पड़ रहा है। जब हमने कैपिटल हाइट्स के फ्लैट धारकों से बात की तो किसी ने पूरी अपनी आपत्ति बताई, तो वही एक फ्लैट धारक व्यक्ति ने बिना हमें कोई सहयोग करते हुए कैमरा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही इमामवाड़ा पुलिस पहुंची तो वो व्यक्ति वहां से खिसक गया। कैपिटल हाइट्स के फ्लैट धारकों से जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम सब कोरोना आदेश का पालन पूरी तरह से करे हैं, लेकिन कैपिटल हाइट्स में तैनात सुरक्षा रक्षक आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करके फ्लैट धारकों को जबरन डरा धमका कर न उन्हें बाहर जाने दिया जा रहा है और न ही उनसे मिलने वाले रिश्तेदार या ऑफिस अधिकारी या कर्मचारियों को मिलने तक नहीं दे रहे। इस विषय पर मनपा अधिकारी और पुलिस वालों से बात करना चाहा तो उन्होंने ये काम कैपिटल हाइट्स के मैनेजमेंट और उससे जुड़े सिक्योरिटी का काम है, ऐसे कहते हुए पल्ला झाड़ दिया। जबकि 27 कोरोना संक्रमितों के अलावा बाकी निगेटिव आए फ्लैट धारक मुंह पर मास्क बांधकर, हाथों को सैनिटाइजर कराकर पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, फिर भी फ्लैट धारकों के साथ ये भद्दा मजाक सिक्योरिटी और कैपिटल हाइट के मैनेजमेंट की ओर से किया जा रहा है, जिससे कैपिटल हाइट के फ्लैट धारकों में काफी नाराजगी है। इस ओर प्रशासन ध्यान दे, यही समय की मांग है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे इनके कैपिटल हाइट के फ्लैट धारकों को न्याय देने के लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। आइए देखते हैं। दर्शकों, इस समय में बीसीएम की टीम बैद्यनाथ चौक के स्थित एक कैपिटल हाइट्स के सामने में खड़ी है। हम आपको बता दें कि तकरीबन 480 यहाँ पे फ्लैट्स है और उसके बाद में हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं और ये वही
कैपिटल हाइट्स है जहाँ पे कई लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कुछ निर्बंध जरूर लगाए गए हैं, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पॉजिटिव नहीं हैं, मगर जो किसी का बाईपास सर्जरी हुई तो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन उन्हें पूरी तरह से मदद नहीं कर रहा है। कुछ तो ऐसी महिला है, अबला महिला है, जिनका इस संसार में, इस दुनिया में कोई नहीं है, अकेले वे इस फ्लैट में रहती है। अगर कभी मदद की गुहार किसी को लगाती है तो किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाती। आप देख सकते हैं कि कई गाड़ी यहाँ से आते जाते हुए नज़र आ रही है। ये वही कैपिटल हाइट्स आप देख रहे, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही वहाँ तक बड़े बड़े फ्लैट्स यहाँ पे कैपिटल हाइट में, और यहाँ पे सिक्योरिटी और यहाँ पे कैपिटल हाइट का जो प्रशासन है वो कोई भी कामकाज नहीं कर रहा है। यहाँ के अध्यक्ष भी ध्यान नहीं दे रहे। कैपिटल हाइट में रहने वाले जो मालिक है, जो लोग है, उन्हें जो सुविधाएं देना चाहिए वो सुविधा से वे लोग वंचित है। हम आपको बता दें कि इसी के अंदर में एक बहुत बड़ा गेम जोन है, जबकि लॉकडाउन में या कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है इसको देखते हुए सभी जिम गार्डन बंद कर दिए गए हैं, मगर कैपिटल हाइट के अंदर में एक गेम जोन है जहां पे गेम भी खेले अंदर में जा रहे हैं। हमको जाने के लिए पूरी तरह से मनाई कर दी है। हमने पुलिस प्रशासन से बात किया तो पुलिस ने भी इस पर चुप्पी साधी हुई है। यहाँ के अध्यक्ष इनसे बात करना चाहा मगर अध्यक्ष भी नदारद है। हमने बात कर, उनको तकलीफ जरूर है मगर वे किसी पुलिस कार्रवाई से बचना चाहती है और इसीलिए वे मीडिया से बात नहीं करना चाहती। लेकिन जिस मोहतरमा ने हमसे अभी ये कहा कि मीडिया से बात करना नहीं चाहता, उसके कुछ ही समय पहले उन्होंने हम पूरी आपबीती बताई और उन्होंने ये बताया कि मैं एक प्रेग्नेंट लेडी हूँ, मेरे घर में कोई है नहीं, मैं अगर मैं किसी को मदद की गुहार करती हूँ, पुकारती हूँ, घर आने के लिए बोलती हूँ, तो ये यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अंदर जाने आने नहीं दे रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना का डर दिखाकर उनके साथ में इस तरह से कामकाज हो रहे हैं जिससे वे लोग काफ़ी प्रभावित हैं, परेशान हैं। कुछ महिला बात करने के लिए तैयार है तो कुछ महिला बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अभी तक 4-5 महिलाएं थी मगर वो अपने काम से यहाँ पे निकल गई है। और भी हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं इस बैद्यनाथ चौक के कैपिटल हाइट्स से। तो जैसे हमने महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है वो देखा, अब हम सीधा रुक करना चाहेंगे इस समय में। SIS के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर हमारे साथ में है, जो यहाँ पर पूरी पैनी नज़र रखे हुए है, हर आने जाने वाले की चेकिंग करते हैं, उनसे जाना चाहिए। सर ये बताइए क्या अंदर में गेम जोन चालू है क्या? सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो है सर नॉर्मल है, आप लोग बेकार में इधर आए हुए हैं। अच्छा, कुछ नहीं है। तो सर कोई पॉजिटिव छपड़ा है क्या अपने इसमें? वो NMC के पास डिटेल है, हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। आपको पूछ रहा है क्या, क्योंकि आप अंदर आने जाने नहीं दे रहे इसलिए बोला। हम सबको यहाँ ओनर जितने भी हैं सब अंदर आना जाना कर रहे हैं, जो अपने अपने फैक्ट्री जा रहे हैं, अपने अपने काम जा रहे हैं। नहीं, लेकिन कोई अगर कोई रिलेटिव उनके यहाँ मिलने के लिए आ रहा है या कोई बाहर का ऑफिस का कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप मिलने नहीं दे रहे, ये शिकायत है, क्या कहना चाहोगे? ये गलत है, ये गलत है। किसने आपको शिकायत किया? ये गलत है। अब तक के फ्लैट के 4-5 लोगों ने शिकायत की है हमारे से। अच्छा, अध्यक्ष जी कहाँ है, क्या नाम है उनका? अध्यक्ष जी यहाँ सोसाइटी के अध्यक्ष कोई नहीं है, यहाँ अलग अलग सोसाइटी मेम्बर हैं। वो जो मुखिया होगा ये सब बिल्डिंग प्रशासन का कोई तो होगा? बिल्डिंग प्रशासन है, अभी बिल्डिंग प्रशासन है, जैसे है वैसे है। कितने गार्ड यहाँ पे तैनात हो? अभी हम लोग 4 जन हैं। 4 जन? क्या कॉर्पोरेशन वाले यहाँ आते जाते रहते हैं क्या? हाँ, कॉर्पोरेशन वालों की ड्यूटी है, आप उनसे बात कीजिए, वो बैठे हुए हैं। अंदर में कोई मरीज पॉजिटिव मिला है क्या सर? आप उनसे बात कीजिए, वो बताएंगे, कॉर्पोरेशन वाले बताएंगे आपको। ठीक, गार्ड से हमने बात किया तो उन्होंने बात करने के लिए मना कर दिया है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर काका कोई अंदर में पॉजिटिव है? मुझे नहीं मालूम, इन्हें नहीं मालूम। सर कोई अंदर में पॉजिटिव है? पता नहीं, हमने सबसे बात करना चाहा मगर हर कोई बात को दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहा है, कोई इसमें बात करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जबकि आप देख सकते हैं कि ST की एक बस यहाँ पे जरूर आ खड़ी है, क्योंकि यदि कोई पेशेंट मिलता तो उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए यह बस की सेवाएँ दी गई है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। कैपिटल हाइट्स में जो वैद्यकीय अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे NMC के एक अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताएं कि कैपिटल हाइट्स में टोटल कितने पेशेंट हैं और अब तक के क्या कामकाज किए जा रहे हैं, और आखिरकार जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद नहीं मिल रही है या कोरोना के नाम पर उस जो एक आदेश है उसकी धज्जियाँ कहीं तो भी उड़ते हुए नजर आ रही है, और कोरोना को लेकर असमंजस की स्थिति है, कोई मदद नहीं कर रहा, ऐसे यहाँ के नागरिकों का कहना, आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली अभी मुझे धंतोली जोन से नोडल अधिकारी करके अभी आज यहाँ पे मुझे दिया है ये ज्वाइन होने के लिए, मैं यहाँ पे आया। एक्चुअली अभी जैसा यहाँ पे जो टावर्स में जो बाकी जो लोग हैं जो पॉजिटिव हुए होंगे, जैसे बाहर से आए हुए हैं, तो हमारी NMC की टीम COVID-19 के आधार पे जो वैक्सीन वगैरह है उनका सर्वे करके उनको वैक्सीन देने के लिए भी हम लोग अपना टीम ला करके यहाँ पे वो कर रहे हैं। जैसा
जो लोग एक्चुअली ऑनर्स है, ऑनर रहने के बाद में वो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन रहने के बाद में अगर कोई अति जैसा कोई बाहर का ट्रीटमेंट अगर उनको लेना है तो हम लोग उनको पासेस इन्वॉल्व करते हैं ऑनर को, तो वो ऑनर्स वो पास लेके जाएगा, वो अपने एंट्री यहाँ पे दिखाएगा तो ही आता। लेकिन एक्चुअली जो बाहर से जो आए हुए जैसा उनके सेवा करने के लिए जैसे नौकर है, जैसे रोज आते जाते फिर वो आना है, अरे वो बाहर से इफेक्टिव हो सकता है, इसलिए ऐसे लोगों को अभी फिलहाल के लिए हम लोग वहाँ पे एंट्री नहीं दे रही है क्योंकि वो टोटली अभी बंद है। बाहर से कोई टीम आने वाली है हेडक्वार्टर्स सेंटर से आएंगे, उसमें कुछ इसमें जो है वेरिफिकेशन जो भी आएगा कि किस कारण से ऐसा हुआ है उसका बाकी सभी माहिती हमको लेना है, तो हम लोग एक एक आदमी को प्रति टावर्स के हिसाब से वो हमारा ने पद्धत से जो है हमने सब लोगों को बता दिया। एज यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो है इनको बताया कि जो आदमी अगर ऐसे मामले में अगर कुछ करता है तो यहाँ के PI वगैरह के हमको उनको मदद लेकर के उनको हमको भी उनको बताना कि आप लोग भी हमें कोऑपरेट करो, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसी स्थिति में और COVID-19 को जो प्रतिरोध जो बढ़ रहा है ना एकदम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए NMC अपने तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर रही है कि जहाँ तक हो इसको प्रतिबंध लगा दिया जाए। बिल्कुल प्रतिबंध लगा जाए ये तो काफ़ी अच्छी बात आपने कही है, मगर एक बात जो है कि यहाँ के जो कुछ फ्लैट डायरेक्ट जो महिला जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है, किसी का BP शुगर बढ़ गया, किसी का एंजियोप्लास्टी हुआ है, वे अकेली महिला है, अब वे अपने मदद के लिए किसी की मदद मांगना चाहती है तो कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक प्रेग्नेंट महिला ऊपर से नीचे आ रही है, घबराई हुई है, उसके हाथ में पूरे डॉक्टर के पूरा प्रिस्क्रिप्शन है, उसको कुछ दवाई लेने के लिए जाना है, घर में उसका चूल्हा नहीं जला है, किसी बाई का इंतजार कर रही है, अंदर जाने नहीं दे रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? नहीं एक्चुअली क्यों वो महिला पूरी तरह से निगेटिव है? नहीं नहीं वो निगेटिव है बात सही है, लेकिन निगेटिव होने के बावजूद अगर समझ जाओ उसके यहाँ कोई नौकर होगा जो उसके यहाँ पे उसके डिलीवरी के समय या कोई प्रॉब्लम से कुछ चीज़ें लाना है तो उसको बाहर जाने का बाहर के आदमी को अधिकार नहीं है, एज अ ऑनर अपने जा सकता, लेकिन अगर वो है यहाँ पे तो उसको उतने दिन सेवा करने के लिए उतने दिन तक का यहीं अंदर रहना पड़ेगा। जैसे उन महिलाओं का कहना है कि हमारा सुबह से खान पान नहीं हुआ है, खाने की चीज़ें अब तक के मिली नहीं है, तो ऐसे में क्या कॉर्पोरेशन फिर खाना पहुंचाएगी क्या, ये मेरा सवाल है। नहीं अभी फिलहाल इतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक्चुअली जो है अगर हमने उसको आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह दिया है कि एज अ ऑनर आप है तो आप जाके वो जो है अति जो जरूरत की मंद चीज़ है वो ला सकता है। लेकिन वो प्रेग्नेंट महिला है वो कैसी जा सकते हैं सर मार्केट में, वो चलना नहीं हो रहा उससे? वो अभी हम उसको एक पास देंगे, वो पास एज अ ऑनर करके उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे कि ये यहाँ पे कर रही है, तो उसके हिसाब से आगे की जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारी उसके ऊपर में कुछ निर्णय लेकर के कुछ रास्ता निकालेंगे उसके ऊपर में क्या। तो इस प्रकार की इन्होंने बात करते हुए कहा कि कुछ अधिकारी को ये बताया जाएगा ताकि वे ऐसे जो अंदर में जो महिला है जिनको मदद चाहिए वो लोग आके मदद करेंगे, ऐसे इन ऑफिसर का कहना पड़ा है। अब देखना ये होगा कि सही में मनपा प्रशासन उनको सहयोग करती है या फिर ढाक के 3-5 जैसा ही मनपा प्रशासन का कामकाज होगा, एक देखने वाली बात होगी। कैपिटल हाइट से राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।